आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने फर्स्ट टाइम ग्रेनेड वहाँ पे देखा, हाथ में लिया। हाँ, वो बकायदा वो बाहर चारपाई पे बैठे रहते थे, उनका पूरा गैंग बैठा रहता था। तो एक दिन उसने बोला, अरे ये पकड़ के देख, इससे क्रिकेट खेल के देखो। तो मेरे हाथ में, मुझे याद है अब तक दिया। आपका एक गांव कनेक्शन है। एक्चुअली गांव हमारा बड़ा फेमस है, उसका नाम है शिकारपुर। शिकारपुर तो बोलते हैं लोग, शिकारपुर से आए हो क्या? अच्छा। हाँ, तो जैसे यहाँ पे अलीबाग बोलते हैं तो वहाँ ये माना जाता है शिकारपुर से बेवकूफ़ आते हैं। अच्छा। हाँ, तो मेरे फादर का गांव वो था, तो वहाँ पे हम लोग जाया करते थे। अच्छा। फिर उसके बाद एक्चुअली जो मुझे पहली जो याददाश्त है वो ज़्यादा याददाश्त है नजीबाबाद की, क्योंकि स्कूलिंग वहाँ पे हुई। तो नजीबाबाद में कैसा वक्त बीता? और वो ये तो बहुत कब का उत्तर प्रदेश था ये? सेवेंटीज। राइट। तो बहुत अलग था आज से भी, सोशल वैल्यूज़। हाँ। दुनिया को देखने का नज़रिया अलग। और आपके फादर गवर्नमेंट के उसमें शुगर। हाँ, आपने बताया था। हाँ, शुगर केन इंस्पेक्टर थे वो। जी। हाँ, तो वो दुनिया कैसी थी? आपके सपने क्या थे? सपने थे भी कि नहीं थे? नहीं, उस वक्त तो कोई सपना नहीं होता उतना, क्योंकि मैं जब फिफ्थ क्लास में था तो वहाँ से निकल गए थे हम लोग। तो वो फर्स्ट से फिफ्थ तक तो आप पूरी ऐसी आप एक्सप्लोर ही कर रहे होते, आप एकदम आंखें फटी रहती हैं आपकी कि हाँ। सिनेमा हॉल याद हैं दो, वहाँ पे एक भारत सिनेमा हॉल हुआ करता था और एक कृष्णा। अच्छा। करके दो थिएटर होते थे, और उस वक्त तो वो था भी, एंटरटेनमेंट का साधन भी वही था सर। तो मुझे याद है कि मुगले आजम पहली बार वहाँ देखी थी। अच्छा। हाँ, मुगले आजम वहाँ थिएटर में लगी थी। तो वहाँ की वो है। फिर जो मेरा स्कूल था वहाँ पे बाल सदन करके, उसकी याददाश्त है। दोस्त याद हैं बहुत उस वक्त के, वो तो कभी टच में है नहीं, पर वो सब याद हैं। एक दोस्त होता था लईक अहमद। अच्छा। मैंने वो सब नाम यूज़ भी किए फिर फिल्मों में बहुत, वो कैरेक्टर्स। अच्छा। तो नॉस्टैल्जिया है उसका, क्योंकि क्लास 5 तक रहे वहाँ। अच्छा। और उसके बाद मेरठ आ गए। उसके बाद मेरठ आ गए। मेरठ को मैं कई बार देखता हूँ कि इट्स अ फॉल्ट लाइन बिटवीन टू इंडियाज। मतलब एक वक्त था, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन जब मेरठ उन शहरों में था जो जिसमें भारत के सबसे ज़्यादा मिनिलेयर्स जिनमें थे, उन शहरों में से था। और साथ ही जब मैं एक दिन उस शहर गया तो एक लंबा सा बैलगाड़ियों का पूरा कैरावान आ रहा था, क्योंकि कुछ मांगे थी किसानों की और वो वहाँ पर आए थे। आपने कैसे देखा इस शहर को? इसने आप पे क्या असर किया? और कितने एज थी आपकी अब तक? सिक्स क्लास में मैंने ज्वाइन किया, तो सिक्स क्लास में कितने साल का हूँ मैं? ग्यारह साल का। राइट। हाँ, तो वही मेरे एक्चुअली फॉर्मेशन ईयर्स वही थे, क्योंकि मैं सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक मैंने मेरठ में रहा। जी। तो वहीं पे फिर पूरा जो फॉर्मेशन जो एक पर्सनालिटी की होती है वो वहीं पे होती है बेसिक। कैसे थे आप? शर्मीले थे? हाँ, आई थिंक सभी उस एज में सभी होते हैं, पर मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था। अच्छा। बहुत ही इंट्रोवर्ट था। और क्रिकेट का शौक भी मुझे वहीं से, एक्चुअली तो मुझे नजीबाबाद से ही हो गया था, पर क्रिकेट मैंने वहाँ पे सीरियसली वहाँ पे लिया। और क्रिकेट से कैसे वो, और आप क्या बैटिंग बॉलिंग क्या क्या करते हैं? नहीं, मैं ऑलराउंडर था, पर शुरू में तो उस वक्त तो हीरो तो सब गावस्कर वगैरह हुआ करते थे। करेक्ट। या जी। सो वहाँ पे मैंने जो स्टेडियम था वहाँ पे क्रिकेट शुरू किया। अच्छा। और मैंने एक मेरे कोच हुआ करते थे गोयल जी, आर गीताराम गोयल साहब। अच्छा। वो मेरे बड़े, वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। अच्छा।
उस अब तो यूपी बहुत क्रिकेट में बहुत इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यूपी ने दिए हैं. उस वक्त एक्चुअली यूपी बड़ा भी बहुत था, उत्तरांचल तो था ही नहीं पूरा. राइट. तो एक शर्मीले लड़के को क्या क्रिकेट में एक ऐसा अभिव्यक्ति का साधा, इट वाज अ रिफ्यूज सो टू से? नहीं 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 नहीं, रिफ्यूज तो बिल्कुल नहीं था. मतलब उस वक्त तो मैं बढ़ ही रहा था तो क्रिकेट में आके मैं एक्चुअली खुला. और वो एज भी होती है ना सिक्स सेवन्थ में, जब आप क्योंकि पहले आप फैमिली में इतने ज़्यादा रहते हैं, फिर जब आप सिक्स सेवन्थ क्लास में आते हैं तो दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं. फिर उस वक्त वो वक्त भी वो था जब बहुत जो गैंग वॉर्स का जो लोकल जिसमें गुलदार साहब की जो फिल्म आई थी वो मेरे अपने जी, तो जो मोहल्ले के गैंग्स हुआ करते थे वो बड़े वो हीरोज हुआ करते थे. और एक आई थिंक अब वो सब शायद जो मोहल्ले के दादा जो हुआ करते थे वो, तो वो अब माफिया बन गए. हाँ, वो माफिया बन गए. माफिया भी अब टेररिज्म में आ गया. हाँ, तो इसलिए वो एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म जो दादाओं का हुआ करता था वो चला गया. पर मैंने वो सब देखा. अच्छा. हाँ. और क्योंकि वायलेंस देखा. हाँ, बहुत देखा. अच्छा. एक बहुत बड़े गैंगस्टर था रामपाल त्यागी. तो वहाँ जो मैंने इनफैक्ट ओमकार में भी जो त्यागी हॉस्टल जो दिखाया, वो त्यागी हॉस्टल एग्जिस्ट करता है. अच्छा. अभी भी. और वो रामपाल त्यागी जो थे वो बहुत बड़े गैंगस्टर थे. और उन्होंने वो किया हुआ था कि उन्होंने जहाँ वार्डन का घर है, वो वार्डन का घर उन्होंने लिया हुआ था. अरे, तो वार्डन के घर में वो रहते थे. वार्डन कहाँ रहते थे पता नहीं. और वो पूरा हॉस्टल वॉज लाइक फुल ऑफ लोकल गैंगस्टर्स. तो वो बच्चों को बहुत प्यार करता था, करते थे वो रामपाल त्यागी. अच्छा. बहुत. अच्छा. और वहाँ पे उस त्यागी हॉस्टल का ग्राउंड भी हुआ करता था क्रिकेट का. तो हम लोग वहाँ क्रिकेट खेला करते थे बहुत. सो आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने फर्स्ट टाइम ग्रेनेड वहाँ पे देखा. हाथ में लिया. हाँ, वो बकायदा वो बाहर चारपाई पे बैठे रहते थे और उनका पूरा गैंग बैठा रहता. तो एक दिन उसने बोला, अरे ये पकड़ के देख, इससे क्रिकेट खेल के देखो. तो मेरे हाथ में, मुझे याद है अब तक दिया. तो और बड़ी कमाल की मेमोरी. और एक्चुअली हम जो स्कूल जाते थे तो पैदल या साइकिल से जाया करते थे. और जो स्कूल जाने का एक तो लंबा रास्ता था कि आप सड़क से जाएं, दूसरा रास्ता था कि वो त्यागी हॉस्टल से दीवार जो स्कूल की लगी हुई थी वो टूटी हुई थी. और वो कभी बनती नहीं थी, जब बनती थी तो फिर टूट जाती थी. तो वो बड़ा छोटा रास्ता था, तो हम वहाँ से जाया करते थे स्कूल. अच्छा. और वो जो टूटी दीवार का रास्ता था वो वार्डन के घर से लग के था. तो रोज उनसे रामपाल त्यागी से मुलाकात होती थी. दुनिया को देखते जाते रोज. तो मुझे याद है मैं शायद सेवन्थ या एट्थ क्लास में था. तो हमारे एग्ज़ाम थे सुबह वो 7 बजे की शिफ्ट में. तो 9 बजे 8:30-9 बजे के करीब गन फायर सुनाई दिए. और फिर वी सॉ 2-3 गैंगस्टर्स विद देयर गन्स इन देयर हैंड्स. और वो हमारे स्कूल से भाग के मेन गेट से निकल के चले गए. सो जब हम एग्ज़ाम दे के जब वापस उस छोटे रास्ते से आए तो देखा वहाँ पूरा एरिया कॉप से भरा हुआ था. एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ द डेड बॉडी. रामपाल त्यागी वॉज शॉट डेड. एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ, अभी तक मुझे वो इमेज याद है, ब्लड कि ब्लड कैसे उसके सिर में गोली लगी हुई थी, बॉडी में पूरी गोली लगी हुई थी. एंड ही वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर और चौक से पूरा ऐसा बना रहे थे उसका. तो मैंने इतना क्लोज देखा है गैंग वॉर. तो इसलिए जब मैंने ओमकारा बनाई तो मुझे लगा ये और वो जो लैंग्वेज है. राइट. जो वेस्टर्न यूपी की पहचानी हुई ज़मीन है. हाँ. तो वो अदरवाइज मेन स्ट्रीम की ओमकारा से पहले मेन स्ट्रीम में कभी इस तरह की जो डायलेक्ट था वो यूज़ नहीं होता था. करेक्ट. तो वो पर जब मैं फिर 12th वगैरह पास करके जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया तो मैं काफ़ी साल तक कॉम्प्लेक्स रहा. किस तरह का? अंग्रेज़ी को लेके, क्योंकि एक दिल्ली आए तो दिल्ली में एक अलग ही लेवल का बिल्कुल दुनिया थी. हालांकि रास्ता 70 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों में. बिल्कुल. हाँ, तो पर कल्चर में बिल्कुल एकदम कल्चर में अलग है. और फिर हिंदुस्तान, अब तो मैं क्योंकि व्हेन आई लुक बैक तो आई कैन सी कि हमारा अंग्रेज़ी को लेके इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि जो अंग्रेज़ी अच्छा बोलता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी है ये माना जाता है. बिल्कुल. और उसको अभी भी हमारी सोसाइटी में वो है. तो मैं काफ़ी साल तक कॉम्प्लेक्स रहा. मुझे दुख रहा काफ़ी वक्त तक कि मैंने
क्यों नहीं अपने फादर की बात सुनी और कॉन्वेंट स्कूल में गया। बट जब मैंने ओमकारा वगैरह, अब जो अब मैं मुझे लगता है कि अगर मैं कॉन्वेंट स्कूल में गया होता तो मैंने वही अमीरों के बच्चे देखे होते और वही मैंने मैंने वो जिंदगी देखी ही नहीं होती कि वो एग्जिस्ट करती है। बड़ी मैनिक्योर्ड लाइफ देखी होती जो कि नाउ आई फील बैड फॉर माय सन कि उसने जो देखे हैं उसने सिर्फ वही जिंदगी देखी है, वो सिटी किड्स ही देखे हुए हैं, उसने सिटी की वो जिंदगी देखी है, वो छोटे शहर की जो जिंदगी है बिल्कुल कि जब शाम का सूरज ढल रहा है और आपको जल्दी घर पहुंचना है कि या तो मार पड़ेगी अगर रात को घर पहुंचे या आप स्कूल बंक करके फिल्म देखने गए जी जी, क्योंकि वो बड़ा चक्कर होता था और मतलब इतना कॉम्प्लेक्स, एक तो सेक्स को लेके भी इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है इस देश में। मुझे याद है कि हम लोग वो फिल्म बड़ी फेमस हुई थी उस वक्त, द ब्लू लगून। यस ऑफ कोर्स। तो ब्लू लगून मतलब आप ऑब्वियसली आप स्कूल से भाग के गए तो वहाँ पे एक अंकल मिल गए, उन्होंने बोला ना तुम ब्लू लगून देखने हो, ऐसा लगा जैसे साला कोई ब्लू फिल्म देखने आया। तो ब्रूक शील्ड्स तो अजीब सा एक वो है कि तो अब नाउ यू स्माइल एट दैट बट इट या तो छोटे शहर का एक वो एक लर्निंग थी वो और आपके काम में दिखी। हाँ लर्निंग से भी ज़्यादा वो उस माहौल में जो बड़े हुए हैं वो उसका वो जो फ्लेवर है वो फ्लेवर उसको किसी किसी चीज़ से कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। एक्चुअली असली इंडिया वो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो एब्सोल्युटली मतलब ये एक बड़ी बड़ा गैप है शहर के बच्चों में भी। शहर के बच्चों को तो पता ही नहीं कि वो किसी बाघ से शहतूत चुरा के भागने और माली पीछे भाग रहा है पकड़ में है, वो फन कहाँ मिल सकता है right. या किसी गली के कोने पे शाम को जाके चूरन और चना जोर गरम खरीद के खाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद फिर क्रिकेट का ज़्यादा शौक जुनून था। आपने अंडर 19 भी तो खेला है। मैं अंडर 19 वो कैसा रहा था? सी के नायडू ट्रॉफी बोलते हैं अंडर 19 वो मैंने खेला, मैंने रिप्रेजेंट किया यूपी को। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा पर अनफॉर्चुनेट रहा, जो कि मुझे बाद में समझ में आया कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। वो डिज़ाइन बाद में मुझे समझ में आया क्योंकि वहाँ भी मैं क्रिकेट में बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा मेरा कैरियर और आई एम हैप्पी नाउ कि अनफॉर्चुनेट रहा क्योंकि वरना मैं फिल्म लाइन में इस लेवल पर नहीं आ सकता था। राइट right. तो मैं जब गया तो वहाँ पे फाइनल से पहले मेरा सिर फट गया वो रूम में मस्ती करते हुए। हाँ कुछ सीलिंग बड़ी नीचे थी तो उसमें मैं उठा तो मेरा सिर फट गया, तो आई कुडंट प्ले एनी मैच। सो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। एंड नेक्स्ट ईयर जब मैं खेला तो नेक्स्ट ईयर कुछ अजीब सा चक्कर हुआ था कि वो कि मैं ट्वेल्थ दोबारा कर ही इसलिए रहा था कि मैं दोबारा सीखना का एटलीस्ट मैं रहूं। तो उस वक्त कोई वो ऐसा रूल था कि अगर आप दोबारा ट्वेल्थ किसी दूसरे सब्जेक्ट में कर रहे हो तो यू आर नॉट एलिजिबल टू प्ले। तो मेरा जो सबसे क्लोज दोस्त था राकेश चौहान नाम था उसका, मुझे अभी तक याद है, तो वो साल टीम में नहीं हुआ, वो फर्स्ट स्टैंड बाय था। अच्छा। तो मैच से मैच की सुबह 9 बजे मैच था, सुबह 5 बजे वो कहीं से मेरा सर्टिफिकेट निकलवा के और अच्छा स्कूल से ये कि ये ही इज़ नॉट एलिजिबल टू प्ले, तो मुझे वो मैच भी नहीं खेल पाया मैं। ओहो मतलब वो उस साल भी टूर्नामेंट नहीं खेल पाया। तो फिर पर वो पूरा डिज़ाइन है अब तो पूरा स्क्रीन प्ले की तरह, तो आई गॉट सो डिसोरिएंटेड एंड एंग्री कि मैंने कहा मैं अब इस स्टेट से खेलूंगा ही नहीं अब, तो मैं दिल्ली जाऊँगा बिकॉज आई वॉन्टेड टू परस्यू माई करियर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी क्रिकेट का। तो वहाँ के वो जो सिलेक्शन के जो ट्रायल्स होते हैं तो उसमें गया मैं और आई वाज अ गुड प्लेयर आल्सो, तो मेरा एडमिशन हो गया हिंदू कॉलेज में। फिर वहाँ भी पहले साल जब इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट से मैच से एक दिन पहले नेट्स में मेरा कैच पकड़ते मेरा अंगूठा टूट गया। दैट ईयर आल्सो देन आई कुडंट प्ले तीसरे साल। हाँ तो मुझे लगा कि ये सच ए नॉन अनफॉर्चुनेट थिंग। देन उसके अगले साल मेरे फादर की डेथ हो गई सेकंड। मैं उस लम्हे की बात करना चाहता हूँ, आप
सुबह थी, प्रैक्टिस करके लौटे थे और आपके घर का सामान जमीन पे पड़ा था। सो वो भी एक अनफॉर्चुनेट सा था ना, अब तो लगता है कि वो किसी और के साथ हुआ था, क्योंकि इतने 84 की बात है। हाँ जी। तो कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। 35 साल में तो लगता है कि वो किसी और के साथ हुआ था। हाँ, बट इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जिस मकान में हम रहते थे वो किराए का था, मकान था, और लैंडलॉर्ड पास में रहता था, तो वो चाहता था हम मकान खाली कर दें। कुछ केस वेस चल रहा था एंड कॉम्प्रोमाइज़ हो गया कि 2 महीने बाद खाली कर देंगे, ऐसा कुछ होगा। तो एंड उस वो जज, उसका लॉयर का नाम था बिपिन गर्ग, और उसके फादर थे आर के गर्ग, वो थे जज। अरे दादा। तो उन्होंने मेरे फादर से एग्रीमेंट साइन करा लिया कि हाँ ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और हम उसको कोर्ट में जमा करके केस को वापस कर लेंगे। और उन्होंने केस वापस नहीं लिया और एक्स पार्टी करा के एक दिन 20-25 गुंडे लेके, नुक्ते के साथ गुंडे लेके उन्होंने आके हमारा सारा सामान सड़क पे निकाल दिया। मैं तो सुबह खेलने गया हुआ था, मैं यूनिवर्स मे की बात है, तो मैं एग्ज़ाम्स देके छुट्टी के लिए आया हुआ था घर। व्हेन आई केम बैक आई सॉ एवरीथिंग ऑन फ्लोर, माय मदर एंड सिस्टर दे वर लुकिंग फॉर समथिंग, देन माय फादर गॉट कार्डियक अरेस्ट ऑन द रोड एंड ही डाइड। तो रोड, हाँ, सो उनकी बॉडी भी सामने जो जो जिनकी कोठी थी उसमें रखी गई। एंड या और फिर वही जो मैं बता रहा था, मोहल्ले के जो दादा हैं वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने सारा सामान वापस घर के अंदर रखा। अच्छा। या एंड दैट जज एंड दैट लॉयर दे रैन अवे बिकॉज मर्डर का केस हो गया। फिर वो 2 महीने तक चलता रहा, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके वो सब, देन लाइफ गोज ऑन। यू वर क्लोज टू योर फादर? या हु इज़ नॉट। थोड़ा यू वांट टेल मी अबाउट दैट रिलेशनशिप, एनी मोमेंट्स? या बिकॉज माय फादर वाज अ पोएट एंड फिल्मों के लिए भी उन्होंने लिखा। हाँ, क्योंकि उनका एम्बिशन वो था जी, कि वो फिल्मों में गाने लिखें, तो आते रहते थे। अब जॉब सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ था और मन यहाँ पे था, पोइट्री में था। और उस वक्त तो खैर इतना टफ भी होता था ना कि पूरी ज़िंदगी फैमिली छोड़ के नहीं आ सकते थे यहाँ, और अब 3 बच्चे थे तो को छोड़ के, पर उनका मन यहीं पे रहता था। तो गर्मियों की छुट्टियों में हम सब लोग यहाँ आते थे, और उनका उनकी बड़ी दोस्ती थी इनसे, लक्ष्मी जी से, उषा खन्ना से, कल्याण जी, आनंद जी, उनके साथ बहुत फिल्मों के गाने लिखे उन्होंने, तो उस वजह से वो बॉम्बे का कनेक्शन हमारा था। तो वहीं से संगीत आपको भी? हाँ, एक्चुअली वो मेरा जो बड़ा भाई था वो मैंडोलिन बजाता था। अच्छा। हाँ, अच्छा मैंडोलिन बजाता था। उसके बाद फिर उसने छोड़ दिया, तो हमारे घर में मैंडोलिन और बेंजो वगैरह ऐसे ही पड़ा रहता था। तो मेरे अंदर कहीं रहा होगा इनबॉर्न टैलेंट, तो मैंने खुद ही अपने आप वो बेंजो बजाना शुरू कर दिया था। अच्छा। मुझे याद है, हाँ, नजीबाबाद में मैंने आई वॉज क्लास इन 5th, तो मैंने स्कूल के फंक्शन में वो पूर्वा सुहानी अहिरे गाना परफॉर्म किया था। अच्छा। सो एवरी वन वॉज सरप्राइज कि ये इतने छोटे बच्चे ने किया। इसलिए मैं हर चीज़ में राइटी हूँ, सिर्फ म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट बजाने में लेफ्टी हूँ। अच्छा। क्योंकि बेंजो जो है वो लेफ्ट हैंड से बजता है जी जी, उसको जो स्ट्राइक करते हैं वो राइट से करते हैं, प्ले लेफ्ट से करते हैं। तो मेरा लेफ्ट साइड म्यूजिक में बहुत स्ट्रांग रहा। तो फिर आगे भी आके तो बड़ा अजीब, हर कोई मुझसे पूछा तुम लेफ्टी हो, मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ म्यूजिक में लेफ्टी हूँ। तो वो साइड क्योंकि बचपन से इतनी स्ट्रांग रही तो मैं उसमें रहा। राइट। या सो फिर आपने कुछ कंपोज किया था जो उषा जी को? हाँ, वो मेरा चलता रहता था कंपोजिशन का। फिर सारी चीज़ें एक साथ होने लगी थी कि वो म्यूजिक भी चलने लगा था, पोइट्री का भी था, फिर फादर के यहाँ पे जो डायरेक्टर्स दोस्त थे उनसे भी मिलना जुलना रहता था। तो वो जो गाने लिखते थे
तो ऑब्वियसली क्योंकि मुझे घर में था तो मुझे पहले मिल जाते थे तो मैं पहले कंपोज कर लेता था कि मैं पहले ट्यून बनाऊंगा इसकी। अच्छा। हाँ, तो मैं अपनी ट्यून बनाता था, बाकी अच्छा कल्याण जैन जी की अपनी ट्यून होती थी, लक्ष्मी जी की अपनी ट्यून होती थी। ऐसे याद है जो फिल्म में अलग हुआ आपने कुछ और, हालांकि बहुत वक्त पहले की बात है। हाँ, बहुत पुरानी बात है जी। अच्छा। हाँ, ओके। और वो इतने अच्छे कॉम्पोजिशन होते भी नहीं थे। इस वक्त आपके दो सेट थे दोस्तों के, एक तरफ तो थे मनिंदर सिंह और मनोज प्रभाकर और दूसरी तरफ आपके संगीत की क्रिएटिव मंडली। ये दो दुनियाएं खींच रही थी दोनों तरफ, या फैसला हो चुका था कि कौन सी प्रेमिका के साथ जाना है? नहीं, वो छूटने लगता है, वो छूटने लगा था क्रिकेट और छूटा तो अभी तक भी नहीं। मैं अभी तक भी क्रिकेट खेल लेता हूँ जाके, अभी भी। अब रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो होने लगे। हाँ, पर फिर वो जिंदगी वो बहुत मुश्किल भी होती जा रही थी, क्योंकि फादर की डेथ के बाद देना है, आई वाज ऑन माय ओन ऑलमोस्ट। तो सेकेंडरी कॉलेज में था, थर्ड ईयर के बाद तो मैंने कमाना ही शुरू कर दिया था। क्या परिवार की जीविका की जिम्मेदारी? नहीं, अपनी। हाँ, क्योंकि फादर की पेंशन से मदर और सिस्टर की शादी हो गई, भाई अपनी स्ट्रगल कर रहा था, तो सब लोग अपने अपने उसमें थे। सो इसलिए ये समझ में आने लगा था। फिर भी मैंने कुछ महीने ट्राई किया कि मैं क्रिकेट में रहूं, परसू करूं, पर मुझे वो समझ में आ गया था कि क्रिकेट के लिए आपको फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए। फाइनेंशियल बैकिंग इन द सेंस, आपको डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचना पड़े कि आज लंच कहाँ करना है, डिनर कहाँ करना है, उसके पैसे नहीं हो। तो उस वक्त बहुत मुश्किल था, और ऊपर से वो ज़िंदगी के अपने मसले थे कि ज़िंदगी कैसे चली चलाई जाए। तो फिर मुझे लगा कि मैं फुल टाइम फिर मैं म्यूज़िक में ही चला गया। पर म्यूज़िक से जीविका भी तो आसान नहीं थी, बल्कि बॉलीवुड तो कैसे, टीवी की दुनिया, दूरदर्शन। हाँ, दूरदर्शन ही एक था वहाँ पे, और छोटे मोटे एड्स वगैरह। दूरदर्शन मेन था एक्चुअली जी, और दूरदर्शन के प्रोड्यूसर उस वक्त एकदम बॉलीवुड मुगल से भी ज़्यादा वो हुआ करते थे, क्योंकि उनके हाथ में होता था कि एक प्रोग्राम उन्होंने दे दिया आपको, तो आपको एक प्रोग्राम में 3-4 हज़ार रुपये फंस गए तो आपका बहुत बड़ी बात होती थी। फिर CPC बना जी, CPC में फिर एक प्रोड्यूसर थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सपोर्ट इन द सेंस काम दिया, तो उस वजह से अब नेचुरल सपोर्ट हुआ। घोषाल साहब थे। अच्छा। तो वहाँ पे म्यूज़िक के प्रोग्राम्स होते थे, तो या उसमें बहुत काम किया मैंने। वो फिर छोटे मोटे ऐड, एक ऐड पर, ऐड से मेरा तब से ही मेरा मूड उखड़ गया था। एक ऐड में मेरा बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ था, वो मुझे हमेशा, वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। एक थे वालिया साहब थे और एक ज़ुबैर साहब का स्टूडियो हुआ करता था, वो लोग ऐड बनाते थे। तो उन्होंने, वालिया साहब ने बोला कि तुम आओ, तुमको काम देते हैं। तो फिर कोई पान मसाले का कोई ऐड था, तो बोला तुम सुबह 10 बजे आ जाओ, मैं तुमको जिंगल दूंगा। तो उन्होंने मुझे जिंगल दिया लिख के कि ये कॉपी अप्रूव है, अब तुम इसकी ट्यून बनाओ। तो मैंने एक दोस्त को बुलाया, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता था, आलोक माथुर, पर तबला बजाता था। वो बेचारा मार्केटिंग से, मैंने कहा तू बीच में तो छोड़ के, मुझे थोड़ा ठेका चाहिए साथ में बजाने के लिए। अब वो आ गया आधे दिन के लिए। अब मैं ट्यून बनाई, वाले साहब बोले मज़ा नहीं आया, कुछ और। तो हर एक घंटे में मैंने ट्यून सुनाता था, तो वो आके मुझे पान मसाला खिलाते थे कि ये पान मसाला खाओ, देखो कैसा, कितना ठंडा लग रहा है, तुम्हारी ट्यून में वो बात नहीं आ रही, ठंडा नहीं लग रहा। शाम 6 बजे तक मैंने आई थिंक जितनी भी फॉर्म हो सकती है म्यूज़िक में, जैस, ब्लूज़, कव्वाली, सूफी, भजन, सब में वो पान मसाला शाम 6 बजे तक मैंने कम से कम नहीं तो 20 ट्यून बनाई। नहीं, उन्हें नहीं आ रही थी मुझे, प्रॉब्लम तो उनकी ठंडक आने की थी। शाम को 6 बजे और वो आए और हर ट्यून रिजेक्ट करके चले जाए कि ये भी नहीं पसंद, ये भी नहीं पसंद। फिर शाम को 6 बजे उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम ये 50 रुपये रखो और कल सुबह फिर आ जाओ 10 बजे, कल सुबह ट्राई करना।
वो 50 रुपए का हम मैंने और मेरे दोस्त ने हमने जाके खरीदा रम का हाफ और दारू पी के हमने इतनी गालियां दी वालिया साहब को कि अब भी कल से ऐड के काम में नहीं जाएंगे। तो मैंने तो कभी मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ था वो कि मेरे कभी भी ऐड फिल्म की तरफ मेरा आज तक मेरा वो एटीट्यूड है। अभी भी ऐड वाले आते हैं मेरे पास अच्छा। तो मुझे सीधा वालिया साहब याद आता है कि ठंडक नहीं आ रही और अभी तक आई टेल यू वही एटीट्यूड है। हाँ। मुझे पान मसाला नहीं खिलाते हैं मेरी उसकी वजह से बट बहुत एड बिजनेस इज लाइक सच ए फेक बिजनेस स्पेशली दोज हू रन एक्सेप्ट वन पर्सन पीयूष पांडे उनके साथ मैंने बहुत ऐड किए अच्छा। पर उनके साथ इतना कमाल का था एक तो इसलिए उनके ऐड भी अलग होते हैं उनके सारे फेविकोल के उस आदमी ने कमाल किया तो मैंने बहुत ऐड किए उनके साथ और वो इस वजह से किए कि उनके साथ डायरेक्ट होता था कि कुछ ऐड आया तो मुझसे बोलते थे पार्टनर नहीं अच्छे लगे तो बदल देना है तो फिर मैं कुछ करके उन्हें सुना के भेजता था तो उस पर कभी पूरा पूरा चेंज करते अरे ये तो बहुत अच्छा है वो मैंने बोला वो आपके वो बैठे हुए क्लाइंट व्लाइंट और मैनेजर मैनेजर उन सालों को फ़ोन दो मुझे तो बोलते थे तुम लोग स्टूडियो से बाहर आ जाओ अभी वो जो करके भेज रहा है वो उसको भेजने दो। तो आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क विद पीयूष पांडे एंड प्रसून पांडे एंड दैट वॉज अ वेरी गुड। उसके अलावा मैंने बहुत कम काम किया है and I really hats off to those people who work in ad industry. पर मैंने देखा है कि वो ad industry जो है वो आपको अंदर से दीमक की तरह खोखला कर देती है। आप एक तो सोचने भी वो 30 सेकंड में लगते हो आप सोचने भी हुक लाइन से लगते हो और आप फेक होते चले जाते हो। आप कैसे देखते हैं यहाँ कि आपके दोस्त हैं या जो असली में काम भी करते हो बंबई के या और वुड यू अदरवाइज इवन हैव यू नो लंच विद देम बट रिश्तों को कैसे देखते हैं आप? बॉम्बे में वैसे ही इतनी एक अजीब सी भाग दौड़ है एक बंबई की एक वाइब में एक एक भाग दौड़ सी है कि इसमें यहाँ वो भी लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं आप कुछ कुछ ऐसा नहीं कि आप भूल रहे हैं पर आपको लगता है कि आप कुछ भूल गए कुछ काम था कुछ रह गया किसी से मिलना था किसी को फ़ोन करना था तो एक रेस्टलेसनेस यहाँ पे है और हर कोई यहाँ पे इनसिक्योर्ड है ज़िंदगी टफ भी है और ग्रीड और लस्ट जो है वो पूरे अपने फुल वॉल्यूम पे यहाँ पे है पर उस सब के बीच में आई थिंक अब जो दोस्तियां हैं मेरे तो बहुत कम दोस्त हैं और आई थिंक वो दोस्त भी अब जिनके साथ आप काम करते हो वही आपके दोस्त बनते चले जाते हैं। और भी होता है दोस्ती का जो एक उम्र होती है ना वो आप 30 के बाद फिर काम की दोस्तियां दोस्त वही रह जाते हैं जो 30 साल से पहले के आपके बने हुए होते हैं जी। आया ही दे दे दो अब मैंने तो चाय पी अभी हाँ मुझे पानी की बोतल दे देना। मैंने सुना है कि आप में एक बड़ा खूबसूरत हुनर है कि आप अपना मजाक बहुत अच्छा उड़ा लेते हैं। कौन है विशाल भारद्वाज? और वो पता चल जाए तो यही ना हो जाए अपने आप की तो तलाश है अपने आप को तो ढूंढ रहे हैं और अब उससे भी ज़्यादा ये है कि एक बशीर बद्र साहब का बहुत बढ़िया शेर है कि अभी अपने इशारों पर हमें चलना नहीं आया सड़क की लाल पीली बत्तियों को कौन देखेगा। तो अभी तो जो मन कहता है उसके उल्टा चलते हैं तो ये तो पता ही नहीं कौन है ये पता चल जाए तो बुद्धि हो जाएगी। अफसोस है कुछ? एक ही एक अफसोस रहता है कि काश मैंने अपने बच्चे को ये बॉम्बे के स्कूल में ना पढ़ाया होता।